हाय गाइस, हाय हाय, बाद में फोन करती हूँ। अरे ये मेल भेज देना जल्दी, लंच के बाद करती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। ये अपना न्यू जॉनी तो लेट लतीफ निकला, अब बॉस तेरी लेगा। एक्चुअली मैंने बॉस को कल मेल कर दिया था। ओ हो, वेरी नाइस। अपना न्यू जॉनी तो सिंसियर निकला। निमेश, तू क्यों इसके पीछे पड़ा है? अरे बाय द वे, मेरे पास ना इससे भी ज्यादा हैपनिंग न्यूज है। ये बता ना। तुझे पता है नीतू प्रेग्नेंट है? रिद्धि। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैडम कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स। अरे नीतू, तेरे पति ने इतना बड़ा कांड कर दिया और तूने हमें बताया भी नहीं। वैसे बताने वाली थी, लेकिन इसके पेट में कुछ बात रहे तो ना। सो तो है मतलब। अरे ये लेकिन पार्टी तो बनती है। हाँ। क्यों नहीं, तो फिक्स। कल ऑफिस के बाद हम लोग शिवाजी पार्क में मिलते हैं। डन। ठीक है, तो एक काम करना, तू तेरे पति को भी लेके आना साथ में। क्यों रिद्धि? हाँ ऑब्वियसली। ओके तो चलो डन कल का फिर। एक सेकंड, कल डेट क्या है? कल 6 दिसंबर है। ओ शिट। नहीं, ए वेन्यू चेंज है। अब क्या हुआ तुझे? अरे तुझे पता नहीं मेरी माँ? अरे बाबा कल 6 दिसंबर है तो वो अंबेडकर का कुछ तो रहता है। आई थिंक सो रहता होगा। तो फिर? अरे तो क्या, तू अरे वहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं शिवाजी पार्क में, तो वो ट्रेन फ्री रहती है ना कल के दिन। अच्छा। तुझे बताओ, ये लोग इतनी गंदगी फैलाते है कि इसके बाद ना एक हफ्ता वहाँ जाने का मन ही नहीं करता। एक्चुअली यार इतने लोग क्यों आते पता नहीं, और वैसे भी इस अम्बेडकर ने हमारे देश के लिए किया ही क्या है। वही तो। अभी चल, अरे मेरे पेट में ना चूहे दौड़ रहे। अरे चलो यार लंच करते हैं यार, मुझे निकलना भी है जल्दी। दो मिनट। वैसे भी इट्स ऑलरेडी 2:30। हाँ चलो 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 चल नहीं तू। चलो लंच करते। आप चलिए, मुझे बॉस से कुछ काम है तो मैं। क्यों, अब क्या चुगली करेगा मेरी? नहीं, वो लेटर देना है बॉस को। हो, रेजिग्नेशन, सो सैड। हाथ ही छोड़ रहा है क्या? तुझे और कोई काम नहीं है क्या? तुझे भूख लगी थी ना, चल। अरे पर रुकना आनंद, जल्दी आना खाना खाने के लिए। हाँ। चल ना बाहर, तुझे भूख लगी थी ना, अब बहुत हंस रहे हैं, चल बाहर चल। यस सर, लीव एप्लीकेशन, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। से सर ये ठीक है, मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ। अरे अरे वहाँ पे पुण्यतिथि रहती है या फिर मेला भरा रहता है वही पता नहीं चलता। पिछले साल ना मैं वहाँ से गुजर रहा था तो आई फेल्ट वोमिटिंग। अरे मैं तो वहाँ से ऐसे भागा जैसे हंटर में वासु भागा तेरा। वैसे ही यार ड्यूड, तेरा प्रॉब्लम क्या है? क्या हुआ भाई, तुझे क्या हुआ? नहीं, अगर तुझे वहाँ नहीं जाना तो तू मत जा, मगर इस तरह दूसरों की भावना को ठेस मत पहुँचाना। तुझे क्या हुआ, सब लोग वहाँ फोकट में आते और गंदगी फैलाते। अरे पर क्यों इतनी अहमियत देते हो अंबेडकर को? एक्सक्यूज मी मिस्टर निमेश, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का कोई भी अनुयायी 5 या 6 दिसंबर को फोकट नहीं आता। रेलवे की आमदनी बढ़ती है, अगर नहीं पता तो पता करवा लो। हाँ तो ठीक है ना? हाँ ठीक नहीं है। ये जो आप हमारे साथ बैठकर लंच करती हैं, पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं, ये सब बाबा साहब अंबेडकर की देन है, उनके संविधान की देन है, वरना आज तुम भी किसी घर पे बैठकर बर्तन मांज रही होती। हाँ लेकिन वेट, आई एम नॉट फिनिश्ड। प्रेग्नेंट हो ना आप, कुछ महीनों बाद आपको प्रेगनेंसी लीव मिलेगी, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए सबसे ज्यादा आरक्षण बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया, उन्होंने सबसे ज्यादा आपके लिए सोचा,
एक मिनट, लेकिन ये सब बातें तुम हमें क्यों बता रहे हो? अरे क्योंकि तुम लोगों के मन में बाबा साहब अम्बेडकर और उनके समाज के खिलाफ एक नकारात्मक भावना भरी पड़ी है यार। इतने महान शख्सियत को तुम लोगों ने अपने संकुचित विचारों से संकुचित बना दिया। अच्छा ठीक है, लेकिन ये सब तो उन दिनों की बात थी, लेकिन आज की हालत तो बहुत ही बदतर होती जा रही है। ऐसे हालतों में क्या सोल्यूशन है तुम्हारे अंबेडकर जी के पास? बाबा साहब अंबेडकर आपसे और मुझसे ज्यादा इस देश के हैं निमेश। बाबा साहब अंबेडकर द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, गूगल पर सर्च करना। दामोदर वैली और हीराकुंड डैम बनाने के लिए किसने ज्यादा काम किया है? द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज इस किताब के बेस पे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खड़ा है। हेलो या बेबी, या मैं निकल रहा हूँ जल्दी। हाँ हाँ रखो फोन, चलो। अरे बोला ना निकल रहा हूँ जल्दी मैं। हाँ रखो रखो फोन रखो, चलो। साढ़े पांच बज गए क्या? साढ़े पांच, बात अभी पूरी नहीं हुई है। आपको पता है बाबा साहब अंबेडकर स्वतंत्र भारत के सबसे पहले लेबर मिनिस्टर रह चुके हैं। ये जो आपको पीएफ मिलता है ना, ये बाबा साहब अंबेडकर की देन है। 12 से 14 घंटे काम करने वाला मजदूर 8 घंटे काम करता है बाबा साहब अंबेडकर की वजह से। अगर बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते ना, तो आज आपका बॉस आपकी 14 घंटे लेता और आप उसका घंटा भी नहीं उखाड़ पाते। ये जो 8 घंटे है ना, बाबा साहब अंबेडकर की देन। That means he is the real architect of modern India. अफसोस होता है मुझे जब तुम सब लोग इस दिन का मजाक उड़ाते हो। It feels bad. Hey newcomer, sorry यार। हाथ धोने जा रहा हूँ, खाना खाना है ना? हाँ। Excuse me आनंद, come here. Yes sir. मैं ये कहने आया था कि कल तुम मत जाओ। पर सर। अरे बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए अकेले जाओगे? मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ। जय भीम। थैंक यू सर, जय भीम।